हेलो गाइस, और आज जिस प्रोडक्ट का हम रिव्यू करने वाले हैं वो है किंग्सवे के कार मैग्नेटिक सनशेड्स। जनरली बहुत सारे लोगों को इन सनशेड्स को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसीलिए आज हम इस प्रोडक्ट को लेकर आए हैं एंड वी विल टेल यू कि इसको कैसे प्रॉपरली इंस्टॉल किया जा सकता है इन अ कार। ये जो सनशेड्स हैं जनरली आपको सेट ऑफ 4 और सेट ऑफ 6 में मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कार कैसी है और उसमें पीछे के क्वार्टर पैनल्स अवेलेबल है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम इन सनशेड्स को अनपैक कर रहे हैं और इसमें ये जो सनशेड्स हैं ये जिपर शेड्स हैं जिसमें ये सेट ऑफ 4 शेड्स अवेलेबल हैं, 2 फॉर रियर विंडो एंड 2 फॉर फ्रंट विंडोज। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपको इस सनशेड्स में थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैग्नेट्स मिलती हैं जो कि इसकी कंप्लीट प्रोफाइल में लगी हुई होती है, और ये जो ये मैग्नेट्स होती हैं हमें इसको इस मेटल फ्रेम ऑफ द डोर के साथ स्टिक करना होता है। बट यहाँ पे अभी आप नोटिस करेंगे कि अभी भी लूज है और प्रॉपरली फिट नहीं हो रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस शेड की जो वायर्स हैं हल्का सा उसको स्लाइटली बेंड कर लेंगे ताकि वो डोर की प्रोफाइल से मैच कर सकें और वो बेटर वे में फिक्स हो सके। अब आप देखेंगे कि ये बहुत परफेक्टली स्टिक हो गया है विद द कंप्लीट डोर और अब इसमें वो लूज वाला ऑप्शन भी नहीं रहा। प्लस आप इसमें इजीली सी थ्रू भी कर सकते हैं, इससे आपकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा हैम्पर नहीं होगी। कुछ लोगों को एक कंसर्न और भी रहता है कि ये सनशेड जो हैं वो विंडो से बड़े हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे को जो ये मैग्नेट्स होती हैं ये मेटल फ्रेम ऑफ डोर के साथ फिक्स करनी होती हैं, इसीलिए एज़ पर साइज़ ऑफ डोर बनते हैं ना कि विंडो के साइज़ के अकॉर्डिंग, ताकि ये इजीली यहाँ पे फिक्स हो सके और प्रॉपरली आप इसको यूज़ कर सकें। फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो अगर आप देखेंगे आपको कम्प्लीट विजिबिलिटी मिलती है, प्लस इसमें जिप्स भी मिल रही हैं जिससे कि आप इजीली जो है वो एक्सेस कर सकें फॉर आउटसाइड ऑफ द कार। आपको किसी तरह की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस विंडो सनशेड्स को यूज़ करने के बाद। और ये जिप्स हैं जो कि फ्रंट टू सेट्स ऑफ द विंडोज़ में आपको मिलती हैं और विंडोज़ को भी आप इजीली अप एंड डाउन रोल मूव कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम पीछे की जो कर्टन्स होते हैं उनमें भी मैग्नेट्स को चेक करके और पीछे वाला जो ड्रॉर है उसके साथ फ्रेम को सेट कर लेंगे। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि ये जो मेटल फ्रेम है इसके साथ हम मैग्नेट्स को स्टिक कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको हल्का सा ये भी लूज़ मिलेगा। तो उसके लिए फिर हम सेम करेंगे, इसकी वायर को स्लाइटली बेंड करेंगे ताकि ये परफेक्टली इस विंडो कर्टन के साथ फिक्स हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।